शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने ऐलान किया है कि अब मेरा नाम विश्वास कैलाश सारंग के नाम से जाना जाएगा। इसकी आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया भी उन्होंने की है। वही ईरानी डेरे पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर समझौता नहीं किया जाएगा, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वैक्सीन ट्रायल को लेकर विश्वास सारंग ने कहा कि भोपाल में आगे भी ट्रायल होंगे, भगवान से कामना करता हूं कि ट्रायल सक्सेसफुल रहे। मैंने निश्चित किया है कि अब मैं अपने नाम के साथ मेरे पिताजी का नाम जोड़ूंगा और मैंने ऑफिशियल आधिकारिक रूप से प्रक्रिया शुरू की है। अब मैं विश्वास कैलाश सारंग के नाम से जाना जाऊंगा। पिता तो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर मेरे पिता कैलाश सारंग जी जिस विलक्षण क्षमता और गुणों के थे, वो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी है और इसीलिए मैंने ये निश्चित किया है कि अब मैं विश्वास कैलाश सारंग के नाम से जाना जाऊंगा। गुंडे, बदमाश, चाकू और बंदूक की नोक पर सरकार की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, मध्य प्रदेश में अब उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसीलिए आज ये कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह का समझौता मध्य प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। सरकारी जमीनें पूरी तरह से सुरक्षित रहें और गुंडे बदमाश या तो गुंडा बदमाशी छोड़े या जेल के पीछे उनको आगे की जिंदगी काटनी पड़े। अब हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वैक्सीन कोरोना को की ऐसा लगता है कुछ समय में आएगी। भारत बायोटेक ने ICMR के साथ पूरे देश में इस वैक्सीन के ट्रायल का एक कैलेंडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भी उनका ये प्रपोजल आया था, पीपल्स मेडिकल कॉलेज और गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्रायल होनी है, क्योंकि ये सब ICMR के निर्देशन पर और उनके गाइडेंस में हो रहा है। तो ICMR जो भी हमसे सहयोग ले रहा है, उस सहयोग के लिए मध्य प्रदेश की सरकार तत्पर है। कल कुछ ट्रायल हुए हैं, आगे भी ट्रायल होंगे, पीपल मेडिकल कॉलेज में भी होंगे, GMC में भी होंगे, पहले एम्स में भी हुआ है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये ट्रायल सक्सेसफुल हो, सुरक्षित हो।